Hi guys, namaste. I hope you all are doing good. So for today's video, I'm going to be telling you top 5 makeup products from Sugar Cosmetics that every girl must have. So without a further ado, let's begin this video. And before beginning it, if you haven't already subscribed to my channel, then please do so and let's begin. So the first product from Sugar Cosmetics that I feel like every girl should have is a primer. So primer बहुत ही ज़्यादा important role play करता है in your makeup and like first step I would say आप cleansing, toning, moisturizing के बाद से the next step would be to apply a primer. So primer is very important. So this is the primer from Sugar Cosmetics and oh my god, it's so nice, so handy. Like most of the primer that comes in the market they have a glass container. तो उसके क्या होता है breakage का बहुत ज़्यादा डर होता है. Whereas this one comes in this kind of a packaging which is really nice. And if I talk about the primer, so this is really nice. It's gonna blur your pores very easily. Applicator is very nice. You can apply it very easily all over your face. And मैं इसको हाथ पे भी लगा के थोड़ा सा दिखाती हूँ. So ऐसे आप इसको circular motion में करके लगा सकते हो और हल्का हल्का dab कर सकते हो. So काफी ज़्यादा अच्छे से आपके skin में ये blend हो जाएगा. So I just love this product. And now let's move on to the next one. So the next product is this palette and it's very famous palette. I am sure that you might have heard about this palette या फिर आपके पास होगा भी ये palette. Different in this palette is that कि इसके तीनों के तीनों चीजें इसके अंदर आती हैं. एक ही palette के अंदर you'll have a contouring का shade, you'll have a highlighter and then a blusher too. So you don't have to buy blusher separately then highlighter और फिर आप एक अलग से कॉन्टोर करने के लिए लो. एंड ये वाला जो शेड है कॉन्टोरिंग के लिए मोस्ट ऑफ द इंडियन जो स्किन टोन होता है उसके साथ इट कैन गो वेरी इजीली. एंड व्हाट आई लाइक अबाउट पाउडर कॉन्टोरिंग इज दैट इट्स वेरी इजीली ब्लेंडेबल. यू डोंट हैव टू यू नो स्ट्रगल ब्लेंडिंग इट. बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है आपके स्किन में. एंड देन द नेक्स्ट वन इफ आई टॉक अबाउट द ब्लशर इज ओ माय गॉड द ब्लशर इज सो नाइस. सो ये इसका कलर है, कलर बहुत अच्छा सा आ रहा है. ब्लशर का जो शेड है वो बहुत ज्यादा अच्छा सा है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द हाइलाइटर तो हाइलाइटर भी बहुत अच्छा है. बहुत ही चंकी जैसे हाइलाइटर्स होते हैं ना वैसा नहीं है, बहुत ही सटल सा हाइलाइटर है. एंड काफी अच्छे से ये प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो. एंड पैकेजिंग इज रियली नाइस. सो आई रियली लाइक द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट. सो उससे क्या है बहुत हैंडी है, आप इसको बहुत आराम से रख सकते हो एंड यू कैन कैरी वेरी इजिली. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई एम गोना बी टॉकिंग टू यू ऑल इज अ आई लाइनर. आई शो यू आई लाइनर. एंड ओ माई गॉड ये इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है कि एप्लीकेटर बहुत ज्यादा सही है जिससे कि आप इसे बहुत आराम से लगा सकते हो. ब्रिसल्स हैं बहुत ज्यादा से फैले नहीं है जिससे कि आप इजिली अप्लाई कर लो, जो कि मैं बार बार बोल रही हूँ. एंड एकदम जेट ब्लैक कलर का आई लाइनर है विच इज वेरी नाइस. सो इट्स 36 hours आई लाइनर एंड ब्लैक इज द शेड. I'll mention all the shades in the description box. You can check. I'll also mention on the screen somewhere ताकि आप देख लो कि कौन सी चीज़ क्या है. तो ये मैंने अभी liner यही लगा रखा है. And moving on to the next product. So the next product is Arch Arrival Brow Definer. So it's a eyebrow product. You can define your eyebrows very very easily with this product. अगर आप बहुत ज़्यादा pro नहीं हो, आपको बहुत ज़्यादा makeup नहीं आता तो भी आप बहुत easily इसको pencil को ऐसे करके ये ऐसा है इसके अंदर एंड आप बहुत आराम से आईब्रोज को डिफाइन कर सकते हो. इट्स वेरी सिंपल ऑल्सो. द अदर साइड ऑफ दिस देयर इज दिस ब्रश. सो यू कैन जस्ट सेट योर आईब्रोज एंड साइड बाय साइड यू कैन यू नो कीप ऑन फिलिंग इट. सो इट्स अ साइमल्टेनियस प्रोसेस. सो यू डोंट हैव टू बाय दिस फुली सेपरेटली. इट कम्स इन दिस आईब्रो डिफाइनर ओनली एंड इट्स वेरी नाइस. सो आई जस्ट लव्ड इट एंड आई लाइक कीपिंग माई आईब्रोज नेचुरली बिकॉज दे आर नेचुरली थिक. सो आई जस्ट डिफाइन समवेयर लाइक थोड़ा बहुत कहीं कहीं जो स्पेसेस होते हैं मैं उनको ही फिल करती हूँ. आई डोंट फिल लाइक अ लॉट, बहुत ज़्यादा शेप नहीं बनानी पड़ती है. सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज लिपस्टिक्स एंड दे हैव अमेजिंग कलेक्शन ऑफ लिपस्टिक्स. आई जस्ट लव देयर लिपस्टिक्स. आई हैव ऑलरेडी मेड अ शॉर्ट्स ऑन द सेम. डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट लाइक टॉप 5 लिपस्टिक्स फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स. सो दिस इज द लिप शेड दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ. सो द शेड इज 28 हनी राइडर एंड इट्स वेरी नाइस. आई हैव मिक्स्ड टू शेड्स एक्चुअली. सो सबसे पहले मैंने ये यूज किया था 28 हनी राइडर एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट आई यूज दिस 29 मोली ब्राउन एंड ये लिप शेड है द वन दैट आई एम वेयरिंग करेंटली. थ्रू आउट द वीडियो मैंने ये लगा रखा था. सो आई जस्ट लव्ड इट. आई एम गोना बी मेंशनिंग ऑल द प्रोडक्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट एंड या आई एम गोना सी यू सुपर सून. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.